जागोन मामा अनसुलि बिमाफ्रा बिदि लाबोलाबो होफैयो नै एस अनसुलि बिमानोनि जा मोजां नायनाला हियर इज आवर न्यू कार रितर भैया भी रुका हुआ है बाय बाय अरे आबो सानि गसले गुमनासि गाबोन लोगो मोनसिगोन बिसोरखौ Hey hi guys, this is me again, Moabu Cemetery, and welcome back to my channel. So guys, बहुत दिनों के बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ. तो अभी हम लोग मम्मी पापा और मैं तेजपुर के गोराईमारी या क्या बोलते थे मुझे जगह का नाम अच्छे से नहीं पता. तो हम लोग हमारे नए गाड़ी को सर्विसिंग में लेकर आए हैं. मम्मी लोग का ना दो काम होने वाला है क्योंकि वो लोग गाड़ी सर्विसिंग के लिए भी आए हैं. और मैं आज अपने नए रूम में जाने वाली हूँ, यानी कि मैं रूम शिफ्ट करने वाली हूँ. वही में मम्मी लोग मुझे हेल्प भी करेंगे, तो मम्मी लोग का दो दो काम हो जाएगा. तो अभी हम लोग हमारे गाड़ी का वेट कर रहे हैं, मम्मी और मैं. तो आप लोग देखते रहो आज का वीडियो कैसा होता है. तो लेट्स गो. अभी हम लोग बाहर आए हैं हमारे गाड़ी को देखने के लिए. अभी क्या क्या हो रहा है मुझे तो नहीं पता, अभी जाके देखेंगे. उधर पापा लोग हैं. ये ना बहुत बड़ा सर्विस सेंटर है गोराईमारी के. थोड़े मतलब आगे में आना पड़ता है, मुझे जगह का नाम अच्छी तरह से नहीं पता. और ये है मेन गेट. और उधर हमारे गाड़ी को वॉश करने के लिए लेकर गया है. और इधर पापा मम्मी. और इधर भी एक गाड़ी, किसी किसी का गाड़ी यहाँ में भी सर्विसिंग हो रहा है. इधर क्या क्या है, कैसा कैसा है, मैं आप लोगों को जाके दिखाती हूँ. हम लोग का गाड़ी किधर है, किधर है. और ये है हम लोग का गाड़ी. मैंने आप लोगों को नहीं बताया था कि हम लोग ने नया गाड़ी लिया है बोल के. तो हियर इज़ आवर न्यू कार ग्रैंड विटारा. बहुत सारा गाड़ी है यहाँ में. और इधर ये क्या है, इसके बाद वॉश करेंगे शायद. लाइन में लगा हुआ है हम लोग का गाड़ी. और इधर मम्मी पापा लोग वेट कर रहे हैं. और ये हम लोग का गाड़ी ना हमारे भैया के नाम से लिया है. और भैया ना गाड़ी में ही उठ नहीं पाते और दूसरा भैया को लेकर आया है गाड़ी चलाने के लिए. और साथ ही मैं आज रूम चेंज करने वाली हूँ, तो बाद में देखो क्या क्या होता है. इथिंग साहब मम्मी यहाँ ने ओन्ना नहीं बिगड़ी ला बो नीफ्राई अनसुलि बिमानोनि जा मोजां नायनाला गोदि जागोन ना जाया. बिथिं जाहा दादाबो दङ नोंनि मोखानो एखे नुदों नै गोजा गोजानो. इधर हम लोग का गाड़ी वॉश हो रहा है अपने आप. चा भाई वीडियो को रिया समय जी बच्चे पूरी दिख रहा है. दाई सुखांग गाड़ी को, अभी हम लोग जाने वाले हैं. इतना साफ लग रहे हैं. महालंग लाइक दाई जब गाड़ी को सुखांबा दाई थाम से रूम बिराट खर सब गाड़ी गाखोनो हाया ना जहाँ माने नोनिया रोब गाड़ी गाखोनो हाया. बाबेलो बहाय हाय बाबे दा बारा हालांगलाना. अभी फाइनली हम लोग जाने वाले हैं ना. गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्मेल कर रहा है, मुझे गाड़ी का स्मेल अच्छा ही नहीं लगता है. यहाँ में कुछ पेपर वर्क अभी मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ. अभी लास्ट कुछ पेपर वर्क बाकी है. पापा गया है और इधर भैया भी रुका हुआ है और मम्मी भी बैठ चुका है पीछे है मम्मी. वासी मठ वो रहा मम्मी. उफ
भरोसा खलाई बेहन खुदा गाड़ी का खने सोचते मन गजन थाना से अभी हम लोग रूम में जाएंगे मेरा सामान लेके और उसके बाद होटल में जाएंगे खाना खाने के लिए और सीधा मेरे नए रूम में जाएंगे बुरी ना और देख मम्मी यहाँ गेट मेन सानी देखे ना वॉचमैन संगबो मामाया ऐ सानै वॉचमैन अनथावथाव नुनायखै बगरी हैन थांदों नै आहरनि जाहानि न'नि बगरी हैन थांदों सोरमोन दायो सासेयैनो बुफाबाय मामा होनदोंथाय जाहानि बगरी बियो गोथावथार होननानै गारि सार्भिसिं खालाम लाबोदोंमोन होननानै जा दे जा होनना बुंदों आरो आर दो गोजाननिफ्राय हैदों नै सान्दुङाबो गोसाथार होनना बुंदों ओमफ्राय बिसोर औ औ औ नंगौ 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 होनना बुंदों आरो अभी फाइनली जाने को मिलेगा अभी सब काम हो चुका है अभी पापा भी आ चुका है पीछे बैठा है बाय बाय फाइनली फाइनली थांनो मोनबाय इमान गोबावनि उनाव आंनि रुमथिं मोनफायबाय दायो नै दा गारिया साहाब जागोन ना हाबजाया बे बिथिं माथिं थांबावगोन नि इयाव कार मोनसे थाबाय थायोलै मोननै बावसो नै सिद्दाथ हाबजानाय नङा साय अभी मेरे पुराने रूम में हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ में गाड़ी को रखेंगे थोड़े देर के लिए मतलब जगह बहुत छोटा है ना हम लोग का गली का तो यही था मेरा पुराना रूम और अभी ओह मेरा सामान वगैरह लेना है अंग रूम वांग से और मैं ये अपना रूम क्यों छोड़ रही हूँ आप लोगों में बाद में बताऊंगी अभी नहीं बताऊंगी मामा दहाय अभी रूम में भी दीदी लोग भी नहीं है दीदी लोग अपने क्लास में गई है उन लोग का आज लास्ट क्लास है किधर तक गया लॉक ही नहीं था ये था मेरा पुराना रूम में बहुत मिस करूंगी इधर है तो मेरा सब कुछ पैकिंग हो चुका है सब गाड़ी में डाल दिया है और एक दोस्त आया था मुझे हेल्प करने के लिए तो अभी हम लोग जाने वाले हैं हिजलिन थैंक्स दे माथ लगे मुझे खागन गाबन दे बाय 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 अरे आप उस हानी के लिए मुझे गाबन लगे मुझे क्या निश्चित कर प्रियस आई गाबन आई कागन आंगे थाते दे उनाव लोगो मोनफिनगोन गोसोखांगोन हा औ दे बाय बाय अभी हम लोग आया है होटल शहनाज में खाना खाने के लिए यहाँ में खाना खाएंगे चल भाई आराम ले ले बाहर उड़ा से बे दुकान के नागिरने ने जों मुबबाय सिसां थाब थाब दङ इथिं बेने 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 ना दासो मोनमारबाय ओमफ्राय होटेल सेहेनांसिन हम लोग
खाना खा चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे नए रूम में। तो अभी मैं आप लोगों को डायरेक्ट मेरे नए रूम में दिखाती हूँ, तो तब तक के लिए ये रास्ता एंजॉय करो आप लोग। अभी मैं अपने नए रूम में आ चुकी हूँ और आया जूता भी गिर गया। जूता भी गिर गया। मेरा नया कौन कौन है देख, हाथी के दाइयो मामा मला हासिगन माने आ हर रूम आओ बुस्तु फिर कर दिन जब बाय ओ हाँ राइट यौनी यहाँ बुस्तु पर नहीं क्या ये हम लोग का है तो क्या बोलते हैं ये सब हम लोग का है इधर ही रखो ओ ये मोड़ा है ये उन लोग का है। कुछ कुछ दिखा रहा है मुझे कुछ चल हो गया खाएगा तो खाओ। हाँ ठीक है अभी मम्मी लोग हाँ ठीक है ये भी जाएगा अभी अपने काम में और मेरा सामान यहाँ पे है सब कुछ। फोटो ले रहे पापा देखो अभी मम्मी पापा लोग किधर गया। मम्मी नीचे चला गया उसको अभी पकड़ती हूँ रुको रंगा ठंगा छीन बाबा कैसे ले ली आया। मेरा ना सर बहुत घूम रहा है क्योंकि मैं गाड़ी में उठ नहीं सकती हूँ ना इसलिए मम्मी पापा को लास्ट बाय के देती हूँ। बाय बाय रो मम्मा रो रो पकड़ो अरे मामा बोल तो दे नहीं बोलो नहीं बोलो मामा हम दे दे हाँ ठीक है ठीक है जाओ थांग दो बाय बाय मामा चिना हो थांग दो अभी मम्मी लोग भी जा चुका है अभी मैं अपना रूम सेटल करूंगी अपना कपड़ा वगैरह और ये पहले बंद कर लेती हूँ। तो अभी मैं आप लोग को बताती हूँ मैंने वो अपना पुराना रूम क्यों छोड़ दिया बोल के। तो हम लोग का जो दीदी लोग है ना मैं जिसके साथ रहती थी उन लोग का कोर्स भी अभी ख़त्म होने वाला है वो लोग भी रूम छोड़ने वाला है। तो वो लोग जाने से मैं तो अकेली पड़ जाऊँगी ना इसीलिए मैंने ये अपना नया रूम ले लिया है क्योंकि मेरा तो पढ़ाई अभी ख़त्म नहीं हुआ है अभी 4 मंथ्स या 5 मंथ्स ऐसा बाकी है मेरा। तो ये मेरे मतलब इसको क्या बोलेंगे ये मेरा बहन लगता है मतलब बनाने वाला बहन वो खून का रिश्ते का बहन नहीं है। तो उसने बोला कि मेरे साथ रहने आ जाओ तो मैं आ गई तो यही था। तो अभी मैं थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ अभी बहुत सर घूम रहे ना मेरा क्या बताओ। और मेरा क्या बोलते उसको कपड़ा वगैरह देखो पूरा सामान इधर 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 उधर होके रखा है तो ये सब अभी सेट करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर के बाद मिलेंगे ठीक है।
सो फाइनली गाइस मैं अपने नए रूम में पूरी तरह से सेटल हो चुकी हूँ. मतलब मैंने अपना पूरा सामान वगैरह अपने जगह में रख दिया. पर मैंने मतलब गलती से अपना दीदी का मैट्रेस लेकर आ गया और अपना छोड़ के आ गया. तो यही है मैट्रेस, तो उसी को कल फिर से जाके एक्सचेंज करना पड़ेगा. तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस. तो अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय.